75 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ला रही है नया प्रस्ताव। इस तरीके से पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट 75 लाख से अधिक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो खबर के अनुसार केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली यानी कि सेंट्रल पेंशन डिसबर्सल सिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव पर मोहर लगने से देश भर के पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी और उनके खाते में अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ और एक ही समय पर पेंशन की राशि ट्रांसफ़र की जा सकेगी। तो खबर के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है, जिस पर फैसला इस महीने के अंत में होने की संभावना है। और इस महीने के अंत में जो बैठक होने वाली है उस बैठक के दौरान इस पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल EPFO इसके तहत केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली यानी कि सेंट्रल पेंशन डिसबर्सल सिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला है। PTI के मुताबिक EPFO 29 और 30 जुलाई को अपनी बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और संभावना है कि बैठक के दौरान इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद पूरे भारत में एक ही साथ 73 लाख से अधिक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बैंक खातों में पेंशन को एक बार में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। फिलहाल देश में मौजूद EPFO के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के पेंशनर्स के खातों में पेंशन की राशि ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में क्षेत्रों के हिसाब से पेंशनर्स को पेंशन अलग अलग दिन और अलग अलग समय पर मिलती है। रिपोर्ट की माने तो EPFO के द्वारा लिए गए इस निर्णय से 75 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा और सभी पेंशनर्स के खाते में एक ही दिन एक ही समय पर उनकी पेंशन जमा कर दी जाएगी। तो केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।